दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं एक रिटेलर हूं सभी कंपनियों का, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि BSNL में पोर्ट होने के बाद नेटवर्क नहीं आ रहा है। यह यदि आप एक नया सिम कार्ड ले लेते हैं और बताया जाता है कि एक घंटे में आधे घंटे में चालू हो जाएगा और फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल नंबर वन है, BSNL में आपने नंबर पोर्ट कराया और नेटवर्क नहीं आ रहा है। आपको बताया जाता है कि आपका नंबर 3 दिन बाद चालू हो जाएगा, आपका BSNL में पोर्ट हो जाएगा। तो BSNL का 3 दिन बाद आप सिम कार्ड लगाते हैं तब भी नेटवर्क नहीं आता है, उसके कुछ रीजन्स है, कुछ कारण से जो आपको जानना पड़ेगा, इसकी कुछ लॉजिक है। देखिए आपको सिम कार्ड बताया जाता है तो देखिए सबसे पहले आपको यह सोचना है, घबराना नहीं है, आपको यह सोचना है कि हमको 3 दिन बताया गया तो 3 दिन कन्फर्म नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जो भी नंबर था जियो एयरटेल VI, इस नंबर को आपको पहले पता करना है कि ये नंबर क्या नेटवर्क को छोड़ दिया है। आपको ध्यान देना, जब ये नंबर आपका नेटवर्क छोड़ेगा तभी आपका अगला सिम कार्ड पोर्ट होगा। तो आपका 3 दिन लग गया, आपका नेटवर्क भी छोड़ दिया, तब आप BSNL के नंबर को लगाइए। और उसके बाद आप पहले से ही लगाते हैं BSNL का नंबर और नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप एक बार अपने नंबर को निकाल कर सिम कार्ड को फिर से लगाइए और एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करिए, ठीक है। उससे आपके BSNL का नेटवर्क आने की चांसेस 100% रहती है। और उसके बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहा है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कभी कभी BSNL का नेटवर्क इशू होता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। और बहुत सारा लोग हमारे पास आ रहे हैं और प्रॉब्लम को बता रहे हैं कि भैया अभी हमारा नेटवर्क नहीं आया। कुछ लोग तो नया सिम कार्ड लेकर आए हैं मेरे पास और बता रहे हैं कि भैया मैं यहाँ से नया सिम कार्ड BSNL का ख़रीदा और बोल रहे थे कि वो एक घंटे में चालू हो जाएगा और तब भी नहीं चालू होता है। तो उस कंडीशंस में आपको थोड़ा वेट करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सिम कार्ड आपका चालू होगा और BSNL का सिम कार्ड नेटवर्क भी आएगा। कुछ लॉजिक है, सिम कार्ड को निकालिए, लगाइए, एक एक दो दो घंटे बाद ट्राई करते रहिए, एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर ट्राई करते रहिए, ठीक है। अब लॉजिक नंबर आपको एक और बताता हूँ कि आपका जैसे कि नेटवर्क जो प्रॉब्लम बता रहा है उसका रीजन्स ये है कि BSNL का आपके एरिया में नेटवर्क नहीं होगा, ठीक ठाक नेटवर्क ना होने के कारण भी ये प्रॉब्लम्स बताता है, जो लॉजिक नंबर ये है। तो आपको घबराना नहीं है, देखिए उसको एक्टिवेट करने के लिए यदि आपने अपने आधार कार्ड देकर अपना फिंगरप्रिंट लगाकर सिम कार्ड को लिया है या पोर्ट कराया है तो सिम कार्ड ऑटोमेटिक एक्टिवेट रहता है, उसमें इंटरनेट भी चलेगा, आपका कॉल्स भी होगा। लेकिन रिचार्ज यहाँ पे आपको यदि नहीं मिल रहा है तो आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें दो ऑप्शंस आता है जब सिम कार्ड ओपन होता है या पोर्ट होता है। तो उसमें पेड MNP जब यदि कर देता है दुकान वाला तो आपको रिचार्ज भी मिल जाता है, अब पेड MNP नहीं करता है तो रिचार्ज उससे बोलकर करवाना पड़ता है, ये भी बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो लॉजिक्स नंबर आपको बताया, अगर आपका सिम कार्ड डिजिटल KYC के माध्यम से हुआ है, आपका फोटो लिया गया है और आपके आधार कार्ड का आगे पीछे का फोटो लिया गया है, तो उस कंडीशन में आपको सिम कार्ड को वेरीफाई और एक्टिवेट करना होता है, तो नेटवर्क आने के बाद ही एक्टिवेट होता है। तो उसके लिए आपको 5959 पे कॉल नहीं करना है, वो तो एयरटेल का होता है, आपको 1507 पे कॉल करना है। लेकिन यहाँ पे भी आपका कॉल कट सकता है, तो इसके लिए आपको बार बार ट्राई करना है, एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ करना है, ठीक है। तो 1507 पे ट्राई करना है, इससे आपको हिंदी के लिए बोलेगा, प्रीपेड के लिए बोलेगा, आखिरी आधार कार्ड का 4 अंक बोलेगा और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ बोलेगा, सिम कार्ड वेरीफाई होगा, वरना अल्टरनेट नंबर जो आप दिए होंगे उस पर 5 अंक OTP जाएगा, उससे भी वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन ट्राई करना पड़ेगा भैया, क्योंकि नेटवर्क इसमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से BSNL का कुछ टॉपिक्स है जो नेटवर्क प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इस प्रॉब्लम्स को आपको थोड़ा वेट कर झेलना पड़ेगा, घबराना नहीं पड़ेगा, आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे हमने बताया वैसे वैसे आपको काम करना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।